शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर बुशहर में कुल 2,25,00,000 रूपये की लागत से बनने वाले विज्ञान भवन की आधारशिला रखी। स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रूपये की बजट में बढ़ोतरी की है ताकि प्रदेश के बच्चों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि सरकारी पाठशालाओं के बच्चे भी निजी स्कूलों के बच्चों से पीछे न रहे। वहीं उन्होंने सिंथेटिक ड्रग के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए सामूहिक रूप से अभियान के रूप में चलाने का आह्वान किया। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने दत्तनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक समारोह में शरीक हुए और दत्तनगर स्कूल में भी विज्ञान भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान रामपुर विधायक नंदलाल ने कहा कि त्रासदी के बाद भी वर्तमान प्रदेश सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 साइंस ब्लॉक स्वीकृत कर उनका शिलान्यास करने पर विशेष आभार प्रकट किया। निरंतर पिछले 30-35 साल में हुई है, कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि हम अपना कंसोलिडेट करें। उदाहरण के तौर पे हम चुनाव से पहले स्कूलों को खो देते हैं, कॉलेज को खो देते हैं। अगर आप पिछली सरकार के कार्यकाल का भी देखेंगे, शुरू के 4.5 वर्षों में सिर्फ 2 महाविद्यालय खोले गए, जब चुनाव नजदीक आ रहे थे तो 2 दर्जन खो दिए गए। लगभग उससे पहले कभी लगभग मिलती जुलती बातें रही है। आज समय आ चुका कि रांची से ऊपर उठकर, जैसे उदाहरण के तौर पे कैबिनेट सेशन के दौरान आपके ट्रांसफरें ना हो, कम से कम राजनीति आपके शिक्षा विभाग और अन्य विभागों को भी आए ताकि एक तरह से अच्छी गवर्निंग हो सके।